एक बार कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आज चैप्टर 15 चलते रहता हूँ, यात्रा करते रहता हूँ, ठंड से ठिठुरता रहता हूँ, इसलिए मुझे
बड़े जो होते रहते हो उसमें तुम आ जाओ। ठीक है, thank you।
बात सुनकर माँ ने क्या कहा? Thank you.
ये चांद का कुर्ता, इसका आपका आपको मैं होमवर्क दे दी हूँ। शब्दार्थ याद कर लीजिएगा, मौखिक क्वेश्चन आंसर हो चुका है, लिखित चांद ने मासिक कैसा झिंगोला सिलवाने को कहा, तो कैसा सिलवाने को कहा, तो उनका ढीला ढाला झिंगोला सिलवाने को कहा जिससे वह ठंड से बच सके। क्या रात भर हवा कैसी चलती थी, तो सनसन ठंडी हवा चलती थी। क्या चांद अपनी यात्रा कैसे पूरी करता था, तो ठंड से ठिठुर ठिठुर कर अपनी यात्रा पूरी करता था। माँ बाप के लिए झिंगोला सिलवाने को क्यों मना करती है, क्योंकि चांद एक जैसा चांद का आकार नहीं होता है, कभी छोटा होता है कभी बड़ा होता है, तो उसकी माँ उस चांद के लिए कौन से नाप का कुर्ता सिलवाए, इसलिए वह कुर्ता सिलवाने के लिए मना करती है। ठीक है, इसका लिखित मैं अगले क्वेश्चन क्लास में करवा दूँगी। आज के लिए इतनी ही है, होमवर्क आपका शब्दार्थ चैप्टर 15 याद करें।